दो भाई दोनों तबाही। चौथे T20 में हुआ संजू तिलक वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों ने खूंखार तरीके से शतक ठोक तोड़ा मार्को यांसन और साउथ अफ्रीका का घमंड। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला जो है बेहद ही सुपर रोमांचक और पैसा वसूल मैच रहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैल जो है बैटिंग करने का निर्णय लिया, जो कि बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। बता दें कि भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 282 रन का जो है पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने एक अलग ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और दोनों ने तूफानी शतक ठोका। बता दें कि संजू सैमसन ने जो है मात्र 56 गेंदों का सामना किया और 109 रन की नाबाद ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें जो है 9 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके शामिल रहे। वहीं तिलक वर्मा ने भी जो है 47 गेंदों का सामना किया और 120 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 9 चौके शामिल रहे। बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर जो है बहुत ही सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाले। बात करते हैं दोस्तों पहले रिकॉर्ड की, तो संजू सैमसन जो है तिलक वर्मा के बीच जो है सबसे बड़ी साझेदारी हुई। बता दें कि 210 रन की 82 गेंद में। जी हाँ, दूसरा रिकॉर्ड है, भारत ने सबसे ज्यादा जो है T20 में छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी हाँ, भारत और साउथ अफ्रीका के जो है इस मैच में 23 छक्के देखने को मिले। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से संजू का करियर पूरी तरीके से तहस नहस किया गया, उनको मौके नहीं दिए गए, उस संजू ने जो है पिछले 5 पारियों में 3 शतक जमा दिए हैं। यह दोस्तों अपने आप में ही एक दर्शाता है कि संजू कितने जो है ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। वही तिलक वर्मा ने भी जो है 22 साल की उम्र में एक अलग ही रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है और बता दें कि संजू सैमसन के क्लब में शामिल हो गए हैं बैक टू बैक सेंचुरी लगाने के मामले में। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि 283 जो है रन का पहाड़ जैसा रन जो है साउथ अफ्रीका तो चेस नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका जो है अब हार चुकी है और मैं अब सोने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं शुभांकर मिश्रा नहीं हूं कि पूरी रात जो है देख करके मैच जो है न्यूज़ में डालता रहूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।